सर, जो टैंक में आपका बना हुआ है ये मेरे सामने दिख रहा है, तो इसके बारे में बताइए किस लिए बनाया, क्या काम आता है ये? देखिए, आजकल किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है जी, और उस समस्या क्या है कि किसान तो खेती करता है लेकिन एक चुनौती का सामना करते हुए खेती करता है जी। कारण क्या है मैं बताना चाहता हूँ, नील गाय और पशुओं की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि किसान जो खेती कर रहा है तो 25-30% तो नील गाय के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जा रही है। तो हमने एक, आप जो देख रहे हैं इस टंकी में जी, तो नील गाय और पशुओं को भगाने के लिए हाँ, ये मैंने बनाया है। अच्छा। इसका छिड़काव जो है आप पौधों पे करेंगे हाँ, तो नील गाय आपके खेत में आएंगे लेकिन फसल को हाँ, मुंह लगाएंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फिर खेत के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो सर इसमें क्या क्या मिक्स किया है, क्या क्या है इसमें? इसमें देखिए, बहुत किसान भाई जो जैविक करते हैं तो जैविक में कीटनाशक बनाते हैं हाँ, ऐसे पौधे जिसको पशु नहीं खाते हैं, या बहुत से किसान हैं जो दस परणी वगैरह हाँ, बहुत से ऐसे कीटनाशक बनाते हैं, तो इसमें उन्हीं पौधों को हमने डाला है। अच्छा। जैसे बेसरम है, धतूर है, हाँ, मदार है, कनेर है हाँ, ऐसे पौधे जिसको पशु नहीं खाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, कई तरह के पशुओं के मल अच्छा, जो भी आपको मिल जाए हाँ, चाहे गाय हो हाँ, भैंस हो हाँ, बकरी हो, हाथी, घोड़ा, जो कुछ भी जो मिल जाए, नील गाय के भी जो है मल को इसमें जो है अच्छा, आप डाल दीजिए हाँ, और डालने के बाद हाँ, इसको कम से कम हाँ, एक महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसे टंकी में पानी भर के छोड़ देते हैं ऐसे? महीने भर छोड़ दीजिए और उसके बाद यही छान करके जो है पौधों पे छिड़काव कीजिए। इससे आपका एक पंथ तो काज होगा, एक तो कीटों का प्रकोप नहीं होगा, अच्छा फसल पे कीट भी नहीं लगेंगे हाँ, और दूसरा जो है पशु जो है हाँ, इसको नहीं खाएंगे आपकी फसल। अच्छा, सर कितनी मात्रा स्प्रे करते हैं टंकी में लेकर के? लगभग हाँ, यदि आप डिकम्पोजर में बनाते हैं हाँ, तब तो इसका मात्रा आपको लगभग 3 या 4 लीटर डालना पड़ेगा। ठीक है। अगर डिकम्पोजर में नहीं बनाते हैं हाँ, केवल पानी में बनाते हैं तो पानी में थोड़ा सा सड़ने में समय लगेगा। अच्छा। डिकम्पोजर में अगर आप सड़ाएंगे तो लगभग 20-21-22 दिन में सड़ जाता हाँ, है, लेकिन अगर पानी में सड़ाएंगे तो लगभग जो है 1-1.5 महीने तक सड़ाएंगे हाँ, हाँ, तो डिकम्पोजर में जो सड़ा करके बनाए हैं हाँ, वो कम से कम 4 या 5 लीटर 15 लीटर की अगर स्प्रे मशीन है तो हाँ, उसमें 4-5 लीटर इसको डाल देंगे, इसको डालिए शेष पानी डालिए। ठीक है। और केवल अगर पानी में सड़ा रहे हैं तो 100% इसका अच्छा, जो छान करके आप छिड़काव। ठीक है। तो एक फसल पे कितने दिनों के बाद स्प्रे करना चाहिए, कितने अंतराल होना चाहिए? 12 से 15 दिन के अंतराल। अच्छा, 12-15 दिनों बाद एक बार स्प्रे कर देना चाहिए। हाँ, इसमें इतना महक है ना हाँ, कि खुद ही जो है पशु इसको जो है सूंघेंगे और हट जाएंगे हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा। इसका महक रहेगा, पशु नहीं खाएंगे। ठीक है। महक समाप्त होगा तो आप देखते रहिए कि पशु आते हैं नहीं खा रहे हैं, तब तक जो है न छिड़काव हाँ, करें, लेकिन जब देखें कि नहीं अब थोड़ा असर कम हो गया तो दोबारा आप छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।